तो अभी रिसेंटली मैं एक लाइव मैंने किया था इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन और उसमें मुझे एक सवाल कई बार पूछा गया इनफैक्ट डी में भी और उस लाइव में भी पूछा गया कि क्या प्रो मोड आपके फ़ोटोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हैं तो वेल आई हैव दूगल पिक्सल फोर ए विथ मी और इसमें तो कोई भी प्रोमोड नहीं है तो Google Pixel 4A है मेरे पास और यही चीज़ देखने के लिए कि क्या प्रो मोड इतना ज़रूरी है मैं कल गया पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद बिकॉज़ ईद भी आ रही है तो काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ्स मुझे लगा कि मिल सकते हैं और शाम को मैं गया नथिंग बट ओनली विथ द गूगल पिक्सल फोर ए कैमरा भी लेके गया था बट मैंने उससे कोई भी पिक्चर्स नहीं लिए हैं देट वॉज जस्ट बैकअप कि हाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे कैमरा यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकूँ इसलिए मैं अपना जो है कैनन का कैमरा भी लेके गया था बट प्राइमरी आइडिया ऑफ टेकिंग दूगल पिक्सल फोर ए फॉर दिस फोटो वॉक वॉज टू जज कि क्या प्रोमोट इतना भी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोमोट के बिना कोई फ़ोन खरीद ही नहीं सकते हैं तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने सिर्फ Google Pixel 4A के कैमरा से ली है और इस कैमरा में जो हाइलाइट्स और शेडो जो मेंटेन करने का जो एक जरिया है वो बहुत ही अच्छा है अगर आप देखोगे इसके गूगल कैमरा में तो हाइलाइट्स और शेडोज आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं विच प्रूव्स टू बी अ वेरी वेरी गुड पॉइंट अब पर्सनली मैंने तो प्रोमोड को मिस नहीं किया बट वो इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल के जो फ़ोन कैमराज है स्पेशली द गूगल पिक्सल सीरीज़ उसका जो कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफ़ी है या जो एल्गोरिदम बेस्ड फ़ोटोग्राफी है वो इतना बढ़िया हो गया है कि अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आपके सीन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है हाईलाइट और शेडो का तो अपने हिसाब से जो है डायनामिक रेंज ये वाला कैमरा एक सिंगल लेंस कैमरा जो है आराम से प्रूव करता है कि डायनामिक रेंज संभाल सकता है अब कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि डायनामिक रेंज अगर बेहतर होता तो क्या अच्छा और होता बट ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे प्रो मोड ही यूज़ करके जो है अपना शटर या एपर्चर या आई चेंज करके ही मैं यूज़ कर सकता हूँ तो बात यह है कि प्रोमोड अगर आपके फ़ोन कैमरा में है तो अच्छी बात है आप सीख सकते हो उससे कि किस तरीके से आप एपचर शटर स्पीड और आईओ यूज़ करके अपने इमेज को एक बेहतरीन लुक दे सकते हो बट अगर प्रोमोड नहीं है तो आप विजुअल स्टोरी टेलिंग लाइट को पढ़ना आराम से विद समथिंग लाइक अ गूगल पिक्सल फोर ए का सिंगल लेंस कैमरा सीख सकते हो तो मुझे इस फोटो वॉक के दौरान या इनफैक्ट जब से मैं गूगल पिक्सल फोर यूज कर रहा हूँ इस दौरान मुझे पर्सनली कभी नहीं लगा कि हाँ यार प्रो मोड होता तो शायद बेहतर होता बिकॉज होता क्या है ना प्रो मोड एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे लगता है थोड़ा सा इंसान जो है स्लो डाउन भी हो जाता है अब वो ज़रूरी है स्लो डाउन होना टू टेक इन द व्यू एंड टू अंडरस्टैंड बेटर कि आप क्या फोटो ले रहे हो बट जब आप रन गन शूट कर रहे हो इतनी भीड़ है और फटाफट आपको शॉट्स लेने हैं तो जस्ट पॉइंट एंड शूट करने के गूगल पिक्सल फोर ए का जो कैमरा है वो बहुत बेहतरीन है बिकॉज आप कहीं पर भी पॉइंट एंड शूट करो अल्टीमेट इमेज जो है वो बहुत अच्छी आती है यूजेबल आती है तो जी कैम या गूगल कैम का जो ये एक पॉइंट है ना मुझे बहुत पसंद है कि आप यू कैन जस्ट पॉइंट एंड शूट एंड इट कम्स आउट टू बी अ ब्यूटिफुल पिक्चर बट अगर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी वो ये जानने की कि लाइट किस तरफ से आपके सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है आपके कैमरा के साइड में लाइट आ रही है या कैमरा के ऊपर आ रही है या सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रही है वो लाइट कैमरा के पीछे से आ रही है ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो वाट यू आर फ्रेमिंग अगर आपको ये दो तीन चीज़ों का पता है तो आपकी फोटोग्राफी एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी चाहे आप गूगल पिक्सल फोर ए यूज़ कर रहे हैं चाहे कोई दूसरा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो अब कई बार मैंने वीडियोस में ये बताया है कि यू शुड लर्न हाउ टू रीड लाइट अब रीड लाइट का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप किताब खोल के पढ़ोगे थियोरिटिकल नॉलेज हेल्प करेगी आपको बट एक सर्टन यू नो सर्टन लेवल तक उसके बाद आपको हैंड्स डाउन बाहर जाके शूट करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को और यू you नो know, अपने आर्टिस्ट को अपने अंदर के आर्टिस्ट को कि हाँ यार मैं जो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ा है किताबों में या जो मैंने इमेजेस देखी हैं ऑनलाइन मुझे समझ आता है कि कॉम्पोजिशन किस तरीके से करते हैं लाइट को किस तरीके से पढ़ते हैं और स्टोरी टेलिंग अल्टीमेटली किस तरीके से करते हो सो so दैट जब आपका व्यूअर वो आपकी तस्वीरें देखे तो उनको मज़ा आ जाए तो प्रोमोट तो क्या इसमें चाहिए वेल well, अगर है तो बहुत बेहतरीन है बट नहीं है तो भी मैंने ऐसा नहीं है कि इसको मिस किया है बहुत खूबसूरत तस्वीरें मैंने ली हैं इसको यूज़ करके और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने पॉइंट एंड शूट किया हो और वो तस्वीर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निखर के और निकल के आई है तो क्या आपके फ़ोन में प्रोमोड है और क्या आपको लगता है कि प्रोमोड की ज़रूरत है आपको ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में मैं देखना चाहूँगा कितने लोगों को प्रोमोड चाहिए और कितने लोगों को प्रोमोट के बिना भी काम हो रहा है तो ये छोटा सा एक वीडियो था दोस्तों जस्ट टू शो कि हाँ यार पिक्चर्स आप ले सकते हो प्रोमोट के बिना भी इफ यू अंडरस्टैंड लाइट इफ यू नो हाउ टू कंपोज यू एन फ्रेम योर इमेज एंड इफ यू नो हाउ टू टेल अ स्टोरी वाया योर इमेज तो ये छोटा सा वीडियो था इसके साथ करूँगा इस वीडियो को एंड में और मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है दोस्तों और लाइक भी करके जाना बिकॉज उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलती है मुझ जैसे क्रिएटर को सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर सच कॉन्टेंट इन द फ्यूचर मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में दोस्तों नमस्कार